खास बात यह है कि साईकांत भैया एमएस धोनी से मिल चुके हैं। और ये आखिर फाइनली माही सर से मिल ही लिए हैं। तो अब हम पूछते हैं भैया से कि आप जब माही सर से मिले तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितनी खुशी हुई उनसे मिलने के बाद? आप जो टी शर्ट मुझे देख रहे हो, सभी लोग, काफी सारे लोग ने मुझे बोला है कि टी शर्ट कहाँ से लाया भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, ये भैया है। Hey guys, welcome back to my new video. आज मैं आप सभी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज श्री राम की 3D रंगोली जो मैंने बनाई थी 5 दिन की कड़ी मेहनत से, वो रवाकर आज रंग लाई है। एंड गाइज मैंने उसे बनाते बनाते काफी लेट हो गया था, तो रामनवमी के बाद में उसे मैंने अपलोड किया था। एंड गाइज इंस्टाग्राम पे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला आप सभी का, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइज आज जो है 1 मिलियन व्यूज मुझे इंस्टाग्राम पर मिल गया है श्री राम वाले वीडियो पर। एंड गाइज 7000 के लगभग मुझे फॉलोअर्स भी गेन हुए हैं, तो 7000 फॉलोअर्स भी हो चुके। तो ऐसा ही प्यार सपोर्ट आप बनाए रखिए। एंड गाइज वो कहते हैं ना कि श्री राम का नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं, और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हो ऐसा ही कुछ हुआ है गाइज मेरा। मैंने, आप देख रहे हो, काफी सारी रंगोलियां मैंने बना दी होगी, लेकिन इतनी सारी रंगोली मेरी एक भी वायरल नहीं हुई, लेकिन श्री राम वाली जो वीडियो मेरा वायरल होना इंस्टाग्राम पर एक भी नहीं हुआ। तो गाइज आप जो है, मेरा ये इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये मेरा आईडी का नेम है, आप यहाँ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक भी कर सकते हो। एंड गाइज अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। गाइज आप देख सकते हो कि मैं पूरी तरह से एमएस धोनी के रंग में रंग चुका हूँ। एंड गाइज बहुत जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है, तो देर किस बात की, आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट इस वीडियो के नाम कर दीजिए। गाइज एमएस धोनी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके चर्चे होते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट। गाइज एमएस धोनी एक ऐसा नाम जिसका दीवाना पूरा हिंदुस्तान है। एंड गाइज भारत के अंदर कई सारी टीमें हैं, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, गुजरात टाइटंस, कितनी सारी टीम है, लेकिन गाइज कोई कितना ही बड़ा फैन किसी भी टीम का हो सकता है, लेकिन गाइज दिल तो सभी का एमएस धोनी के लिए धड़कता है, क्योंकि गाइज उन्होंने भारत को जो इतनी सारी ट्रॉफियां दिलवाई है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और ट्रॉफी दिलवाने के बाद खुद को वो पीछे खड़े कर लेते हैं अपने आप को, और ट्रॉफी टीम को सबमिट कर देते हैं। गाइज ये बहुत बड़ी उनके अंदर एक विशेषता है, और यही चीज जो है एमएस धोनी को सबसे अलग बनाती है। तो गाइज आज हम एमएस धोनी की 3D रंगोली बना रहे हैं और आपको इसमें दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। एंड गाइज वीडियो को आप शेयर करना ना भूले। गाइज अभी मैंने एमएस धोनी का जो 3D रंगोली है इसको मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, लगभग 7-8 रील मैंने अपलोड कर दी। एंड गाइज बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस मुझे इंस्टाग्राम पर मिल रहा है, कई सारे लोगों को पसंद आ रहा है ये आर्ट। एंड गाइज इसी तरह का वायरल जो है लाखों लोगों ने वहां पर देखा है इंस्टाग्राम पर, इसी तरह का आप जो है वायरल यूट्यूब पर भी ये वीडियो बनाइए। एंड गाइज आप देख सकते हो कितना क्रेज है एमएस धोनी का, जैसे ही स्टेडियम में एमएस धोनी खेलने आते हैं पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, बहुत भयंकर तरीके से जो है माही 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 इस तरह से आवाज़ें आती है। गाइज ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी प्लेयर के लिए इतना कोई नहीं करता है, लेकिन गाइज एमएस धोनी के लिए करता है, और वाकई एमएस धोनी डिजर्व करते हैं इतना, और इसीलिए जो है मैं ये 3D रंगोली बना रहा हूँ।
सो फाइनली गाइज, आपको क्या लगता है कि 2023 का आईपीएल ट्रॉफी जो है सीएसके जीतने वाली है या नहीं, एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब जो है रंगोली में आपको कैसा मजा आ रहा है इसका भी आप कमेंट में जिक्र जरूर करें। एंड गाइज, बहुत मजा आया मुझे इस रंगोली को बनाने में, 5 दिन की कड़ी मेहनत, मतलब श्री राम की रंगोली मैंने बनाई थी ऐसे ही, जस्ट बिल्कुल ऐसे मैंने इनको बनाया है। और मतलब हर रंगोली में अच्छी से अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को मिल रही है। गाइज, आपके दिमाग में एक बात तो जरूर घूम रही होंगी कि ये जो है एमएस धोनी की जर्सी कहाँ से ले आया, लेकिन गाइज ये जो है जर्सी मेरी नहीं है, मेरे सीनियर भैया साईकांत कुमार जो है कि विवेकानंद हॉस्टल से हैं, एंड गाइज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से जो है मैं 5 दिन तक रंगोली बना पाया हूँ। 5 दिन तक इस टी शर्ट पहन के मैंने पूरी रंगोली बनाई है, और इसे पहनने के बाद जो मजा आया ना, इम्प्रेशन बिल्कुल 100% जम गया, लोगों को बहुत पसंद आया। एंड गाइज खास बात यह है कि साईकांत भैया एमएस धोनी से मिल चुके हैं, वो बहुत बड़े फैन है एमएस धोनी के। गाइस, उनके मिलने की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, तब तक बने रहिए और वीडियो में एंजॉय करिए। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीनियर भैया से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, गाइज वो सीनियर भैया जिनका नाम है साईकांत, और शायद आपने कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो उनका देखा होगा कि स्टेडियम में कूद कर एक माही का बहुत बड़ा फैन, माही सर का बहुत बड़ा फैन उनके लिए कूद कर और उनसे मिलने गया। गाइज आज मैं उन्हीं से मिलाने जा रहा हूँ आपको, और आप देख सकते हो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर भैया साईकांत कुमार जी। और गाइस आप देख सकते हो वीडियो, मैं आपको पास दिखाइए कि ये देखिए गाइस, स्टेडियम में जब ये कूद के गए थे शायद आपने कहीं ना कहीं ये वीडियो देखा होगा। और ये आखिर फाइनली माही सर से मिल ही लिए हैं। सो अब हम पूछते हैं भैया से कि आप जब माही सर से मिले तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितनी खुशी हुई उनसे मिलने के बाद? बहुत खुशी हुई, बट अपन वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितना खुशी हुई। अच्छा, मतलब बहुत लोग सोच रहे थे कि माही को देखना है ग्राउंड में खेलते हुए, बट मैं भी वैसी था। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगा, मतलब एकदम आप स्टेडियम में कैसे कूद गए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना ऊंचा जाली लगा रहता है, उस जाली में से आप? मतलब उधर जाली नहीं थी, ऐसे बेल जैसी थी, मतलब उस समय पता नहीं इंस्टेंट ही वो हो गए। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा। और जब माही सर से आप जो मिले उसके बाद माही सर से कुछ बातचीत हुई आपकी? ऐसी बातचीत कुछ नहीं हुई थी, मैं बस ऐसे सेल्फी के लिए पूछा था। अच्छा, फिर मैंने सेल्फी लेने के लिए ट्राई किया था, तब भी सेक्रेटरी लोग आ गए, तो फिर मैं वहां से निकला। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत बड़ी बात है कि आप माही सर से मिल लिए। 5 दिन लगे, तो आप देख सकते हो गाइस कितने प्यार से मैंने इसे बनाया है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फैन हूँ मैं और कितनी डिटेलिंग के साथ मैंने इसे बनाया है रंगोली को। तो भैया आप बताइए, मतलब कुछ कमी तो नहीं रही है इसमें? ऐसा कुछ कमी तो नहीं थी, बट एक स्टार का और एक स्टार ऐड करना था। नहीं नहीं, वो एक स्टार मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है वहाँ पे जो देख रहे हो गाइस, वहाँ पे एक स्टार और लगाने की बोल रहे हैं भैया, लेकिन गाइस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थोड़ी कमी रखना जरूरी है, अगर पूरा कर दिया ना तो माही सर को नजर भी लग सकती है तो मेरी रंगोली को मैं नजर नहीं लगाना चाहता, इसलिए एक स्टार मैंने कम बनाया। एंड गाइस मैंने पहले भी, आज से 1 साल पहले माही सर का आर्ट बनाया था, वो विवेकानंद हॉस्टल में बनाया था, और विवेकानंद हॉस्टल में हमारे भैया रहते हैं सीनियर भैया,
और मैं जो है टैगोर हॉस्टल में रहता हूँ, तो ये जो अब मैं टैगोर हॉस्टल में बनाया हूँ और जो विवेकानंद हॉस्टल में मैंने पिछले साल बनाया था माही सर का, उसमें मेरा भैया बहुत हेल्प किए थे एंड गाइज पूरा वीडियो शूटिंग भैया ने किया था। एंड कभी कभी जो है व्यूज और लाइक मुझे कम आता है मेरे काम को देखकर, आप देख सकते हो मेरा काम कितना आपको चमकदार दिख रहा होगा, लेकिन गाइज इस तरह के चमकते हुए और मुझे लाइक फॉलोअर्स ऐसा नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी डिसमोटिवेट हो जाता हूँ, तो गाइज भैया जो है मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा मतलब लाइक्स डिसलाइक मतलब लाइक्स का कुछ देना नहीं है, अगर आपका हार्ड वर्क ही आपको एक दिन, हाँ भैया यही बोलते हैं कि बस तू करता जा, लाइक फॉलोअर के चक्कर में मत रहे और सब काम हो जाएगा एक दिन तेरा, ऐसा भैया का कहना है, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं गाइज, अब पता नहीं वो दिन कब आएगा। एंड गाइज आप जो टी शर्ट मुझे देख रहे हो, सभी लोग काफी सारे लोग ने मुझे बोला है कि टी शर्ट कहाँ से लाया भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज ये भैया है और देखिए उधर तो भैया जो है सेकंड मैच जो हुआ था चेन्नई में सीएसके का, अभी का आईपीएल जो है उसमें देखने गए थे, आप देख सकते हो जब बॉर्डर कूद के स्टेडियम की बॉर्डर कूद के जब वो भैया माही सर से मिल सकते हैं तो मैच तो कभी नहीं छोड़ सकते हो। मैच देखने गए चेन्नई में और पापा के साथ गए थे मैच देखने और साथ ही वहीं पर उन्होंने टी शर्ट परचेस किया था गाइज, मैं इन्होंने जो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था मैंने देखा भैया के पास टी शर्ट है, तो मैंने इनको कॉल करके बोला, तो भैया ने जो है बोला कि कोई दिक्कत नहीं मैं आता हूँ बनाते हैं अपन, तो गाइज टी शर्ट पहन के ही मैंने पूरा आर्ट बनाया है और बहुत अच्छा इंप्रेशन किया है, लोगों को पसंद आया है और थैंक यू सो मच फॉर द टी शर्ट। आपको भी बहुत थैंक्स है इतना बनाने में। सो गाइज आप देख सकते हो महेंद्र सिंह धोनी को 5 दिन की कड़ी मेहनत से मैंने बना के तैयार कर दिया 3D रंगोली के अंदर। एंड गाइज आप देख सकते हो पूरा धोनी मैं यहाँ पर आपको मैं दिख रहा हूँ टी शर्ट, पूरे 5 दिन तक ये टी शर्ट पहन के मैंने ये आर्ट बनाया है। एंड गाइज आप इसे दबा के शेयर करिएगा बढ़िया, मतलब माही भक्तों तक एटलीस्ट ये आर्ट पहुँच जाना चाहिए। आपको ये आर्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड गाइज आपको क्या लगता है इस साल माही का जो है लास्ट आईपीएल है, तो आपको लगता है क्या सीएसके जीतने वाली है या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताएं और सीएसके फैंस तक ये रंगोली पहुंचाने का आपका काम है। सो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।